रणवीर ने ये नजारा देखा और कहा कि उस बगीचे में घूमना शुरू कर देता है। उधर से उस पद्मावत की सखियां पद्मावत को कहती है, आए हे जमीन ना रे बे काली घटा उठ रही चल झूलिया में। और पद्मावत आलस के वश होके नौका बे चालू को ना ए चाल के नहीं मना कर देती है। मेरा व्याकुल होया शरीर मने थाम जो लड़की कर कि अच्छा क्या ना चले ए जो लण चल लेंगे दोनों साथ क्यों मुखड़ा फेर के खड़ी कौन सी सलाह से तेरी। रंग का बाजा खूब बजाले बेराना कद मार कजाले सजाले अपने दो मोर आखे नाथ असल कारीगर ने घड़ी जुन सी डब्बे में धरी कौन सी सलाह से तेरी। जिंदगी के लूट लिए सब श्रृंगार बताए जिंदगी के लूट लिए सब जौरे आनंद हो गए भर पूरे ये तेरे भूरे भूरे हाथ लगा दे छन कंगन की जड़ी तबीयत राजी हो मेरी कौन सी सलास। तेरी मत जवानी का गमर ले न हरी नाम न समर तेरी पतली कमर गोड़ा गात रहान दे चोटी डूंगे पर पड़ी सर्प चूंदड़ी हरी कौन सी सलास। मेर संग रटे जा हरने कौन समझ दूसरा पर आए करने तेरी आखर न जबीर की जात गहने पर एक धड़ी तो बन जा हूर की परी कौन सी शला से। आए चाल न चाल लेंगे। अब वो पद्मावत की सखिया उसको मना लेती है। रणवीर बड़े की ओट में खड़ा होकर नजारा देखता रहा। सारी सखिया आई जब वो पद्मावत के रूप को दिखा तो विस्मित सा हो जाता है। अब वो झूलते हैं और यू नजारा देख के जब चंद्र तत्व मिलया उन्होंने बोला बनिए कड़ा खाल पड़वा रहा है बोला बागा नहीं हूं तरीके लाके दे बोला क्यों बोला मैंने मार दिया बाटा में और आप बड़ा बटा आसमान आर लिया अंडे अरे खड़े था न बोला बम्मा तो स्वर्ग मदा स्वर्ग कम होगा बा मेरे खतर दे मन नहीं पाया पीने का पानी भी तू फ्रूट लिया अंडे बोला रे फूक दे फ्रूटा ने तने के वीरा खड़े था मैं खड़े उसको हाल बताता है न बोला इसी जल बताया हूँ खड़े दे नजारा बताता है क्या क्या दर तट के जकर करूं वा झूल गाली बड़म कितने भी न रह रहे तो आ रहे बुजुर्ग ले गए जी साहब अपने दिन आगा के देखा आर दो झूले दो छोटे डेरी आर और खड़ी थी सदम नजारा बताने लगे इसने कहे सपना में ले जाना मानस जाए तो लाइव प्रोग्राम बद है बॉम्बे वाले फिल्म बनावा कई करोड़ रुपये ला दे फिर उसने पर्दा बदखावा। महाराज दादा लक्ष्मी चंद
जात मेहर संग पंडित मांगेराम सरेआम लोगों ने फिल्म दिखा कर दे सपना मले जा कर दे कोई टकड़ नहीं लाग कर दी नू सवादान लाग जा क्या कहा पहली कली में गौर करियो नू बोला नू देखा आपको YouTube के माध्यम से देखने को मिलेगी धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ आता कि मैं हाथ गाली पाया फिरा पंजाड़ा जोर जोर तक झोटे दे रही गए रस्ता जाला एक तबड़ का एक उर बजिन का डंग नराला पद्मावत के रूप सुन वकट रह मोटा जाला आज की त्रिया कोन्या अगमारी गाल में एक पटोला आए मर जानी करोला ना बात बताइए और सब के में वर्णन करया बाप सुनो बेटा सुनो नीचे नार दियो सब के में कह गए पर देवे शिष्य की जूम बड़के लगे उनके बूरे बूरे धड़ में गौर करना दूसरी कली में के सुनाया प्रधान जी अंग्रेजी फसने रस्सी छोड़ी अंग्रेजी फसने पट्टी मांग जमाई गोल गोल में पटवासा गली आँखा के मासाई हो कंठी गल सरी मोहन माँ गड़ में खूब सजाई कन्ना में दो तंडी वाले मथे पिंडी लाई जो चील हार ने टांग के लिए जाओ चील हार ने टांग के लिए जाओ चील हार ने टांग के लिए जाओ और मोती चमक लड़म में तो जू है समा ये प्यार का ये प्यार का ओ जीवनाथ वाले
हवा आया पीले जिसको लगे रोग इश्क का वो मान सफेद जीले सुन सुन के मैं घायल हो जा कि मीठे बोल रसीले भूख लगे ना प्यास लगे उके तिरछे मैन कटीले पतली कमर में लचके लगे पतली कमर में लगे चलो गाड़ी के सी फड़ में तो असल में तो मानस बात खोल है नहीं और खोल लगा दे जो उसकी कदर करता होने दी खड़ा काम चाल लगाओ जब खोल लगा बनिए के दिनों का लगा कि हमारा यू काम करवा क्या कहा चौधरी साहब ने तेरे अपना मरण जगत की असी के बड़े बड़े उम्र लख राम बराबरी लक्षरण चुमलू तेरे कैसे करवा दे उस छोड़ी गे ला फेरे जात मेहर संगी रोग कटे अरे जात मेहर संग रोग कटे जब छम छम हो पकड़ में